गुड इवनिंग टू एवरी वन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और काफी इंतजार के बाद आईएफएस के इस एग्जाम मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अशरफ जी, रश्मि जी, शेरपा, मोनिका, सारे ही आईएफएसियंस को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आज के इस मैपिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल के दिन आप लोगों ने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा सर का सेशन, जो कि डेफिनेटली सेट से रिलेटेड ही था। जी मोनिका जी, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। और काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेट एग्जाम दिया, अब उनकी भी रिक्वायरमेंट थी, उनकी भी डिमांड थी, उनकी भी तहे दिल से इच्छा थी कि जल्दी से जो पेपर है उनके साथ उनके लिए डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें पता चल जाएगा, अंदाजा आ जाएगा, है ना, उन्हें अंदाजा आ जाएगा कि वो क्वालिफाई हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमारी जिम्मेदारी वो भी है, और इसीलिए फिर कल हमने उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी। मैपिंग सीरीज को हमने कल के दिन होल्ड पर रख दिया था। आज के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि कल के सेशन की भरपाई भी कर दूं, है ना। तो चिंता मत करिए, मैं पूरी तैयारी से आया हूं, कल के सेशन की भी भरपाई आज के इसी सेशन में हो जाएगी, ठीक है। सो जो भी बच्चे सेशन में आ चुके हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें कि मैपिंग सीरीज शुरू हो गई है, सर आ चुके हैं, अब हमारी बातें भी इसके ऊपर होने वाली हैं। जो भी हम सबसे पहले दिन मंडे के दिन हमने जो भी डिस्कशन किया था, जो भी हमने लिस्ट बनाई थी, वहां से हम कई सारी बातों, कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। उस पर जाने से पहले, अगर आप किसी भी सेट की तैयारी कर रहे हो, जो कि इनमें से कुछ भी हो सकती है, महाराष्ट्र सेट की हो सकती है, एमपी सेट की हो सकती है, राजस्थान सेट की हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट सेट की हो सकती है, तो इसकी टेस्ट सीरीज अब आपको मिल रही है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में। प्राइस अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये है 599 में, इतने में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो जल्दी ही टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आज एक बहुत ही पावन मौका है, एक बहुत ही बेहतरीन दिन है, जिस दिन से आप लोगों की शुरुआत हो रही है मैपिंग सीरीज की, ठीक है। एमपी सेट एंड राजस्थान सेट, जी हाँ। और आप सभी को बता दूं, मैं अगर आपको नहीं पता था, तो आज हमारे आपके हम सभी के पूरे आईएफएस के प्यारे केसी सर का बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे टू केसी सर मेरी तरफ से भी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी डेफिनेटली सर के बर्थडे को विश कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, और आशा करते हैं कि ऊपर वाला सर के स्वास्थ्य को, सर की जो एनर्जी है उसे हमेशा ऐसे बनाए रखेगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे कई सारे आइडियाज, ऐसे कई सारे प्लान्स लेकर के आते रहें, और ये जो ट्रेंड है सीखने और सिखाने का, ये चलता रहे, ठीक है, राइट। सो मैं चाहूंगा कि एक बार सारे बच्चे दिल से कमेंट बॉक्स के अंदर सर के लिए बर्थडे विशेस एक बार जरूर लिखें, क्योंकि आज मैं जो भी हूं, जिस भी स्थिति में हूं, जिस भी प्लेटफॉर्म से खड़े होकर के आपको पढ़ा रहा हूं, वो सब इन्हीं की देन है। जो भी पढ़ा रहा हूं वो भी यहीं से है, जो भी मौका है वो भी यहीं से है। मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि टीचरों ने मुझे टीचर बनाया है, और उन्हीं टीचरों में से एक सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति केसी सर है, जिन्होंने न सिर्फ पढ़ाया, स्पेशली ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ाया, और उस एग्जाम में क्वालिफाई भी करवा दिया, और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए एक मकसद भी दे दिया कि चलो ठीक है, आपका तो हो गया, लेकिन अभी हमारे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका क्वालिफाई होना बाकी है,
जिनकी जर्नी अभी अधूरी है, आइए और उस जर्नी को उन्हें पूरा करने में मदद करिए। और मुझे लगा कि ये भी एक बहुत ही बेहतरीन काम है और शायद मैं इसी काम के लिए बना हूं, और तब से ये जो सफर है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो लाइक और शेयर होता रहे, जो बर्थडे विशेस हैं आते रहे, और हो सकता है कि सर के बर्थडे के उपलक्ष पे आप सभी को आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतरीन सुनने को मिले, देखने को मिले। सो दिल थाम के बैठिएगा। हैप्पी बर्थडे अगेन टू केसी सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब हम सेशन की तरफ आ चुके हैं। और आज के इस सेगमेंट में आईएफएस की टीम से अलग ही इमोशन क्योंकि यहाँ सच्चा इमोशन है, यहाँ प्रोफेशनल वाला इमोशन बाद में है ना, कि भाई सर डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के और हम सब इम्प्लॉयज हैं, ये वाला इमोशन बाद का है। पहला इमोशन हमारा और सर का है कि हम उनके बच्चे हैं, है ना, हम उनके स्टूडेंट हैं। तो ये जो पहला वाला इमोशन है ये हमेशा ही वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले रिलेशन पर हावी रहता है, और इसलिए जब कभी भी कोई काम करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला सिस्टम नहीं होता, ये मेरा काम है, मेरे घर का काम है, है ना, इस तरीके का होता है। तो इसलिए हमेशा आपको ये दिखेगा, ये आपको झलक के तौर पर हमेशा दिखेगा जब हम साथ में कभी बात करेंगे, जब हम कभी साथ में कोई सेशन ले रहे होंगे, जब कोई टीचर पढ़ाएगा तो ये जरूर दिखेगा और ये हमेशा रहेगा। ठीक है, और यही स्पेशल चीज है जो आईएफएस को बाकी सारे प्लेटफॉर्म से अलग बना देती है। यहाँ कहीं ना कहीं ये वाला जो कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और कई बार लगता है कि अगर मैंने मेरा 100% नहीं दिया तो मैं मेरे उस टीचर को क्या मुंह दिखाऊंगा जिसने अपना 100% दे करके मुझे इस काबिल बनाया। ठीक है, तो ये जो बात है ना ये हमेशा रहती है, और बस इसी वजह से आपको ये जो फर्क है वो दिखाई देता है। थैंक यू सर। और अब बढ़ते हैं आगे आज के सेशन की तरफ। आपको बता दिया जाए कि राजस्थान सेट की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से ये जानकारी दे रखी है। 19 मार्च से ये एग्जाम होगा, 19 मार्च को राजस्थान भी है, उसके बाद फिर आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट भी है, टेंटेटिवली तेलंगाना भी उसी समय के आसपास में आने वाला है, महाराष्ट्र सेट 26 मार्च को है, 4 जून के आसपास जो है मध्य प्रदेश सेट है वो भी है। सारी चीजें हैं, ये डेट भूलना नहीं, ध्यान रखना, ये आपके सामने रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे। आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहला टॉपिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये जो इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है यहाँ से कई सारे सवाल आते हैं। तो क्या सभी ने शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया सेशन को? मुझे नहीं लग रहा कि सारे बच्चों ने लाइक और शेयर कर दिया, क्योंकि सिर्फ 25 लोग देख रहे हैं, है ना, और ये नंबर इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो जल्दी जल्दी लाइक और शेयर दोनों कर देना। ठीक, तो जो भी बातें यहां अपने को करनी है उसको मैं बहुत ही शॉर्ट में, क्रिस्प में, समराइज्ड वे में आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। क्यों? क्योंकि डिटेल में पढ़ना है तो आईएफएस ऑनलाइन चैनल के ऊपर एवोल्यूशन का पूरा सीरीज मैंने पढ़ा रखा है, आप डिटेल में वहां से रेफर कर सकते हो। यहां पर मैं समराइज्ड वे में सारी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, क्योंकि मैपिंग सीरीज की बात कर रहे हैं, वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। चलिए, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में जैसे मैंने सबसे पहले बात की थी कि सबसे पहला सेल कैसे बना, इस बात को लेकर के चर्चा की जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये कैसे हुआ, इसके ऊपर कई सारे सवाल आते हैं। हाँ जी, कई सारी चीजें हैं जो यहां से पूछी जाती हैं, तो अब आइए उन सारी चीजों को एक एक करके आपके सामने डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगा कि आप लोग, अच्छा मैं कट रहा हूं, मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको मैं दिखता रहूं, है ना, और कुछ भी कटे नहीं कोई हिस्सा।
तो ओरिजिन ऑफ अ स्पीशीज वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर सबसे पहला हिस्सा जो आपको पढ़ना है वो है वेरियस थियरीज। वेरियस थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहला हिस्सा ये है। और कई सारी थियरीज है जो कि आप यहां पर पढ़ते हो एज अ वेरियस थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखें कि भाई ऐसी कौन कौन सी थियरीज हैं जो यहां पर पढ़ी जाती हैं और कौन कौन सी ऐसी थियरीज हैं जो जरूरी हैं, जिनसे सवाल आते हैं। जी बलराम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आई होप आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई जोर शोर में चल रही है। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहली थियरी जो आपको पढ़नी होती है वो है थियरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसी थियरी को क्रिएटनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्रिएटनिज्म के नाम से इस थियरी के बारे में पूछा जाए तो भी इसी थियरी की बात हो रही है। इस थियरी को किसने दिया, तो नाम आता है फादर स्टोरेज द्वारा दिया गया, है ना। तो सबसे पहली थियरी जिनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जो ये कहता है कि द एंटायर लाइफ फॉर्म, जो भी आसपास में लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीजें बनी हैं, ये सारी चीजें क्रिएट की गई हैं बाय सम सुपर नेचुरल पावर। कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसने इन सारी चीजों की उत्पत्ति की है? कुछ भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, कुछ भी इवॉल्व नहीं हुआ। देर इज नथिंग लाइक अ ओरिजिन, देर इज नथिंग लाइक अ एवोल्यूशन। एवरीथिंग वॉज विच इज देयर ऑन अ प्लैनेट, विच इज प्रेजेंट ऑन अ प्लैनेट, इट इज अ क्रिएशन ऑफ अ गॉड। ये सब कुछ गॉड द्वारा क्रिएट किया गया है। और इस थियरी के जो जनक है, जैसे मैंने कहा कि उनका नाम है फादर सोरेज। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कहानी पर, एक्सप्लेनेशन पर नहीं जा रहा हूं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, फादर सोरेज द्वारा ये वाली थियरी दी गई। और इस थियरी में साफ साफ इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भी लाइफ फॉर्म आपके आसपास में है ये गॉड द्वारा क्रिएट की गई है, ओरिजिन या एवोल्यूशन जैसा कुछ नहीं होता। सवाल यहां से भी आते हैं, सबसे पुरानी सबसे शुरुआती थियरीज के तौर पर इन्हें देखा जाता है। गुड इवनिंग मोनिका जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने लाइक और शेयर कर रखा होगा। तो ऐसे ही जो बहुत सारी थियरीज हैं, उन थियरीज में एक थियरी आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो काम करनी है उसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। और थियरीज में क्या क्या बातें बताई गई हैं ये आपको पता होगा कि भाई 6 दिनों के भीतर पूरी कायनात का निर्माण हो गया और इन 6 दिनों के भीतर वो सारी चीजें बन गई जो आज प्रेजेंट टाइम पर इस प्लैनेट के ऊपर आप देख रहे हो, ठीक। तो ये पूरी कहानी मैंने डिटेल में अलग से एक्सप्लेन कर रखी है। दूसरा हिस्सा जो काफी जरूरी हो जाता है, जहां से सवाल बनते हैं, वो है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कि एक ऐसा भी वक्त रहा, एक ऐसा भी समय रहा जब लोगों ने ये माना कि आसपास में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स, सारी चीजें, स्पेशली हम बात कर रहे हैं लाइफ फॉर्म्स की, लिविंग सेल्स की, ये सारी चीजें कैसे बने अपने आप स्पॉन्टेनियसली, है ना, अचानक, अकस्मात, तुरंत, अपने आप, ठीक। कई सारे लोग हैं जो इस थियरी को बहुत लंबे वक्त तक सही भी मानते रहे, जिसमें कुछ नाम जो हैं वो यहां पर मैंने लिख भी रखे हैं, थाले, एनेक्सिमेंडर, ज़ीनोफेन्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एम्पैटिगल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना रहा। हाँ जी, नाइल रिवर वाला, अब वो एग्जांपल कितनी बार मैं दे चुका हूं, वो बार बार रिपीट होता है ना। इसी को आप इस नाम से भी जानते हो, ये जरूरी बात है कि थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ही आप ए बायोजेनेसिस, ऑटो बायोजेनेसिस कहते हो, जिसमें ये कहा गया है कि सारी जो जिंदा चीजें हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो किसी नॉन लिविंग थिंग से स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जाती हैं,
ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थियरी है, जिसमें ये एग्जाम्पल भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखा रखा है एग्जैक्टली क्या होता है ना, कि अचानक से जमीन में से कोई जिंदा चीज निकल आती है। पहले तो वहां कुछ नहीं था, पहले तो सारी चीजें वहां पर नॉन लिविंग थी, लेकिन अब इस नॉन लिविंग कंपोनेंट से अचानक से कुछ जिंदा चीजें बाहर आ जाती हैं, बन जाती हैं। देखो नाइल रिवर के बेसिन पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस तर्क को स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ कहा गया है। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। देखो टाइम के साथ जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, हम शॉर्ट वे में उस थियरी को पढ़ लेंगे और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, है ना, हम शॉर्ट वे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो भी अब IFS के रिकॉर्डेड कोर्सेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जो कि केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस सभी में हैं, और आपको 30% तक का ऑफ भी इनके ऊपर मिल रहा है। एक बार IFS30 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थियरी है, इसे कई लोगों ने तवज्जो दिया, कई लोगों ने इसे सही माना, और जो कई लोगों ने सही माना उसमें एक व्यक्ति हैं वॉन हेलमोंट, जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रकार के सबसे शुरुआती एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। याद रखें, ये वो वक्त है जब एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें सिर्फ ख्याली बातें हुआ करती थी, लेकिन इस समय में वॉन हेलमोंट द्वारा एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जैसा कुछ देता हुआ दिखाई देते हैं, जिसे रेसिपी ऑफ माइस कहा गया है। क्या है रेसिपी ऑफ माइस? रेसिपी ऑफ माइस ये कहा गया कि मैं बताता हूं, जी हाँ मैं बताता हूं, कौन कह रहे हैं? वॉन हेलमोंट। मैं बताता हूं कि कैसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग चीजें बन जाती हैं, और वो भी स्पॉन्टेनियसली। आइए इनकी रेसिपी समझते हैं। इन्होंने कहा फीस क्या है, रश्मि बेटा इसके लिए तो आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। अंदाजन मैं कह दूं कि फीस जो है 5,000 के आसपास होगी, 5,000 फॉर 3 मंथ, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, देखो करना क्या है आपको। आपको करना है कि आप कुछ ले लो कपड़े, क्लोथ्स। अगर कपड़े हैं तो उन कपड़ों को ह्यूमन स्वेट में, इंसानी पसीने में आपको क्या करना है, भिगा लेना है। उसके बाद उस कपड़े के अंदर वीट के ग्रेन्स, गेहूं भर देना है, और उसके बाद इन सारी चीजों को एक लकड़ी के बक्से में, वुडन बॉक्स के अंदर, कुछ लोग वुडन बॉक्स कहते हैं, कुछ लोग घड़ा कहते हैं, जो भी यूज कर लो भाई, सब ठीक ही बात है। इन सब चीजों को एक साथ ले आए एक बक्से में बंद करके 21 दिनों के लिए रख दें। कितने दिनों के लिए? 21 डेज के लिए रख दें, और 21 डेज के बाद आकर के देखोगे तो उस डब्बे के अंदर, उस बक्से के अंदर देखो चूहे घूम रहे हैं। पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, जो चीजें आपने अंदर रखी थी वो सब की सब नॉन लिविंग चीजें थी, लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, चूहे चूहिया निकल करके यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखो नॉन लिविंग थिंग से अचानक से मतलब 21 दिनों के बाद क्या बन गए, जिंदा चीजें बन गई। और इसी को हम कहते हैं क्या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अशरफ कह रहे हैं कि सर आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड इन अ CSIR नेट पेड कोर्स, सो सेट के लिए अलग से कोर्स लेना है क्या? अगर आप पेपर 2 की बात करते हो तो पेपर 2 के लिए नहीं लेना है। हाँ, अगर पेपर 1 लेना चाहते हो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 एक अलग सेगमेंट है, एक अलग टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी पेपर 2 के लिए मैं नहीं रिकमेंड करता, कि आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि लेवल थोड़ा सा लो है, ठीक है अशरफ, ध्यान रखें इस बात का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। वॉन हेलमोंट के बाद कहानी आगे बढ़ती है, और अब ऐसा वक्त आया 17th, 18th, 19th century के आसपास का, जब देखने को मिलता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली बात से कई लोग नाराज हैं। इन थियरीज को जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, इन्हें कहा जाता है एविडेंसेस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जी हाँ, अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकता
इस बात को कई लोगों ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस का सहारा लेकर के प्रूव किया, साबित किया। कौन कौन से ऐसे लोग थे? सबसे पहला नाम था फ्रांसिस्को रेडी, जिन्होंने बीकर और फ्लैश एक्सपेरिमेंट का सहारा लेकर के इस बात को समझाया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन फ्रांसिस्को रेडी द्वारा जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ये दिया गया, जो कि इस बात को सिरे से नकारता है क्या कि स्पॉन्टेनियसली लाइफ क्रिएट हो सकती है। तो इस बात को इन्होंने नकार दिया, ध्यान रखें आप। उसके बाद लाज़ारो स्पैंजानी दूसरे साइंटिस्ट हैं, अलग वक्त है, 18 सेंचुरी के आसपास में इनका एक्सपेरिमेंट दिया गया है, जो कि वेजिटेबल और एनिमल ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट के नाम से, जी हाँ, वेजिटेबल और एनिमल ब्रॉथ एक्सपेरिमेंट के नाम से बड़ा फेमस है। इसमें टर्बिडिटी को मेजर किया गया है, टर्बिडिटी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से टर्बिडिटी में इंक्रीज आता है, और इस चीज को मेजर करके यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि स्पॉन्टेनियसली लाइफ जनरेट नहीं होती, ठीक है, बल्कि वातावरण में कुछ ऐसे कण हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जब फेवरेबल एनवायरमेंट मिलता है तो वो ठीक ठाक ग्रो करने लगते हैं। तो लाज़ारो स्पैंजानी का है वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट, जो इस बात के खिलाफ है, अगेंस्ट है, जो किस बारे में बताया गया है, अगेंस्ट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट। लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट क्या है? लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जो कि फाइनली इस बात पर मोहर लगा देता है, इस बात पर कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हो सकती, असंभव सी बात है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसे शॉन नेक एक्सपेरिमेंट के तौर पर या शॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम पर जाना जाता है। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज एग्जैक्टली द शॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट? क्योंकि पाश्चर ने जिस फ्लास्क का इस्तेमाल किया है, ये फ्लास्क की गर्दन हंस के गर्दन जैसी है, इसलिए ये नाम दिया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में वही सारी चीजें की गई हैं कि पहले इन पूरे जार को सील करके स्टरलाइज कर लिया गया, स्टरलाइज करके एक जार को तोड़ा गया, तो तोड़ करके देखा गया कि इसमें धीरे धीरे आसपास के वातावरण से जो कंटामिनेंट्स आते हैं उनकी वजह से टर्बिडिटी बढ़ जाती है एक के अंदर, और वो सारे जिनको ब्रेक ओपन नहीं किया गया है उनमें टर्बिडिटी नहीं बढ़ती, है ना, जैसे इसमें नहीं बढ़ती, यहाँ पर टर्बिडिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसे बहुत नज़दीक से तोड़ा गया है, और इसमें बहुत कम होती है, एंड इट इज कम्प्लीटली सील्ड फ्लास्क, पहला वाला, जो पहला वाला है ना वो कम्प्लीटली सील्ड वाला है, तो ध्यान रखें इस बात का। ठीक, तो अब बात आती है कि लुईस पाश्चर ने इस बात को तय कर दिया, कंफर्म कर दिया एक्सपेरिमेंट से कि असंभव है। क्या क्या चीज असंभव है? और ऑटोबायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती लाइफ की। एक बात के ऊपर इन्होंने बहुत जोर दिया, इन्होंने कहा कि जो भी बैक्टीरिया यहां पर ग्रो हो रहे हैं वो हवा से आए हैं, हवा में उनके स्पोर थे या उनके सेल्स थे, जब उन्हें फेवरेबल एनवायरमेंट मिला तो ये ग्रो कर गए। इन्होंने कहा कि जो भी बैक्टीरियल सेल आप यहां पर देख रहे हैं ये किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, सो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ये सारी चीजें बनी हुई हैं, और इस वजह से, ठीक, इस वजह से आप अगर ये कहते हो कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो जाता है, तो लाइफ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं होता। जी हाँ, लाइफ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बल्कि कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जब इन्हीं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को ठीक ठाक मौका मिल जाता है, तो यही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या फॉर्म कर देती हैं, न्यू सेल्स, यही क्या फॉर्म कर देती है,
न्यू सेल्स। तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली क्रिएट हो रही, जी नहीं, पहले से ही कुछ लिविंग चीजें जिंदा हैं और वही कुछ नए सेल्स बना देती हैं, नए तरह के अपने जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल बना देती हैं। कुछ भी स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हुआ, और इसी थियरी को हम थियरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कहते हैं। सो लुईस पाश्चर द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि ये हो रहा है, ना कि आप जो सोच रहे हो वो। स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा कि बायोजेनेटिक थियरी किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा कंफर्म की गई। सो आंसर होगा लुईस पाश्चर। ठीक है, ध्यान रखना, इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तभी सवाल बनेंगे। तो इस प्रकार से हम आज भी उसी सवाल की तरफ या उसी सवाल में परेशान हैं जिस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, जैसे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मुर्गी पहले आई या अंडा, है ना। वही वाला सवाल आज भी बन गया कि भाई पहला सेल कैसे बना, पहला लिविंग सेल कैसे बना। अगर ये सारे के सारे सेल जो नए नए दिख रहे हैं ये किसी पहले से ही स्थित सेल से बन रहे हैं, पहले से स्थित सेल से, तो ये पहला सेल कहां से आया, ऊपर की कहानी आज भी जानकारी में नहीं है। इस बात का जवाब मिलता है अगली थियरी के अंदर, और इस थियरी का नाम है मॉडर्न थियरी। जी हाँ, मॉडर्न थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ओपेरिन हेल्डन थियरी। माधुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं कि हम लोग IFS के इस परिवार को और जितना बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा करेंगे, और आप लोगों का प्यार रहेगा तो डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू जुड़ने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब इस सवाल का जवाब कहाँ से मिला, मॉडर्न थियरी ऑफ एवोल्यूशन से, जिसे आप ओपेरिन हेल्डन थियरी के नाम से भी जानते हो। तो अब यहां से जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है। इसी थियरी को केमिकल एवोल्यूशन थियरी के नाम से भी जाना गया है, इसी को हम नेचुरलिस्टिक थियरी भी कह देते हैं, इसी को हम ओपेरिन हेल्डन थियरी भी कह देते हैं। ये सारे अलग अलग नाम हैं उस थियरी के जिससे ये जानकारी मिली कि पहला सेल कैसे बना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स द समरी। याद रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनसे सवाल आए हैं और आएंगे, डिटेल में नहीं। तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यहां पर इस केमिकल एवोल्यूशन थियरी के अंदर, जी हाँ, इस थियरी का नाम क्या है मैं एक बार फिर से अच्छे से लिख दूं। इसे कहा गया है केमिकल एवोल्यूशन थियरी। इस केमिकल एवोल्यूशन थियरी के तहत ओपेरिन एंड हेल्डन ये बताने वाले हैं कि पहला सेल कैसे बना होगा उस प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन में, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा कई करोड़ों साल पीछे। मतलब आप इसकी शुरुआत कहां से करोगे, आप इसकी शुरुआत करोगे आज से अंदाजन 4.5 बिलियन ईयर एगो से। यहां से आपको इस जर्नी की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए उस जर्नी की शुरुआत करते हैं, समराइज्ड वे में सारी जानकारी को एक एक करके लिख डालते हैं। ठीक है, सो गुड इवनिंग वो सारे बच्चे जो अभी अभी सेशन में आए हैं। इतनी देरी क्यों हुई, क्यों इतना लेट आए हो आप लोग, हाँ आपको पढ़ाई नहीं करनी थी क्या। चलो जल्दी से जो भी आ चुके हैं एक बार लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, बता जरूर देना कि सेशन शुरू हो चुका है, और ये सेट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे नाउ इंट्रोड्यूसिंग द एंटायर समरी ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। ऐसा कहा गया है कि जब अर्थ बना उस समय प्लैनेट के ऊपर जो सारी चीजें थी वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है, शुरुआत बहुत ही अलग तरह की थी। उस समय पर इस प्लैनेट के ऊपर जो सारे केमिकल्स थे वो सारे केमिकल अपनी एटॉमिक फेज में थे। जी हाँ, जो सबसे पहला फेज था इस प्लैनेट का उसे एटॉमिक फेज कहा गया है। सारे केमिकल अपनी एटॉमिक फेज में थे, जिसमें जिस भी केमिकल का आप नाम लिखें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, जो भी आप लिखें, सारे के सारे अपने किस फेज में थे? एटॉमिक फेज में। समय के साथ कुछ काम हो गया, अच्छा कुछ कम हो गया, जो भी है जो भी है, लेकिन पढ़ने पर ध्यान लगाए रखो, पढ़ाई से चूकना नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक फेज था सबसे सबसे शुरुआती फेज, ऐसा माना जाता है केमिकल सबसे शुरुआत में एटॉमिक फेज वाली कंडीशन में थे। समय के साथ ये धीरे धीरे कई सारे फेजेस से गुजरते रहे। क्या और कैसे? ऐसा कहते हैं कि उस प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन में जब सब कुछ एटॉमिक फेज में था, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी नेचर ऑफ सर्टन एटम्स, है ना, कुछ ऐसे एटम्स हैं जो काफी ज्यादा अग्रेसिव टाइप के हैं, छोटे हैं, नटखट है, जिसमें नाम लिया जाता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का नाम लिया जाता है ना, ये सारे कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बड़े बदनाम हैं आज भी, कि ये बहुत ज्यादा रिएक्शंस में देखे जाते हैं, रिड्यूसिंग रिएक्शंस और बाकी सब चीजों में। ओके, तो अब एटॉमिक फेज से अगली जो फेज आती है उसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल वाली फेज। तो होता क्या है कि ये सारे के सारे एटॉमिक सब्सटेंसेस, एटॉमिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शन करने की वजह से शायद क्या बना होगा इस प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में, कुछ सिंपल प्रकार के मॉलिक्यूल। और ये सारी चीजें किस प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन में हो रही हैं, हम कहते हैं उस समय के एनवायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिलता है कि लाइटनिंग, अर्थात लगातार बिजली गिरना, यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये काफी ज्यादा मात्रा में थी। इतना ही नहीं, ऊपर से मीटेरॉइड भी गिरते रहते थे। इन वजहों से यहाँ का तापमान काफी ज्यादा था, और इस हाई टेम्परेचर वाली स्थिति में यहाँ पर रिएक्शंस बड़े आसानी से हो जाया करते थे, और बनते थे कुछ यूनिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मीथेन बन जाए, जैसे कि अमोनिया बन जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, और पानी बन जाए। ऐसी सारी चीजें बड़ी ही आसानी से बन जाया करती रही होंगी, ऐसा हम कह रहे हैं। यह सिंपल एटॉमिक, सिंपल मॉलिक्यूलर फेज है, ठीक है। और फिर समय बदलता रहा, समय के बदलने के साथ साथ कई तरह के बदलाव इन केमिकल्स में भी आते रहे, और इसके बाद फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ये सारे केमिकल आपस में रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ मोनोमर्स। मोनोमर्स का मतलब है ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिनसे पॉलीमर्स बने होंगे। तो किस प्रकार के मोनोमर्स बनने शुरू हुए, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से काम की बातें आपके सामने लिखता जा रहा हूं, और अब देखो किस प्रकार के मोनोमर्स बने होंगे। तो मोनोमर्स के हिसाब से जब बात की जाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, कई प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल बने होंगे, जिसमें राइबोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, मतलब राइबोस शुगर है और उसके साथ साथ ग्लूकोज है, कई प्रकार के शुगर मॉलिक्यूल्स बने होंगे, ठीक। इसी के साथ साथ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स ठीक, अमाइनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारी चीजें बनी होंगी, और बाद में इन्हीं सारी चीजों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया होगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। इसके बाद पॉलीमर्स बने होंगे, पॉलीमर्स, ये जो पॉलीमर्स हैं, ये सारे पॉलीमर्स एक ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन में सिंथेसाइज हो रहे हैं
जो कि अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार के पॉलीमर्स बने होंगे इस बात को लेकर के चर्चा कर ली जाती है। तो बात जैसे कि बन गए होंगे न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, उसके बाद फिर फॉस्फोलिपिड्स। अब ये पॉलीमर नहीं होते, ठीक, फॉस्फोलिपिड्स आर नॉट पॉलीमर। उसी के साथ साथ और भी कई प्रकार के पॉलीमरिक सब्सटेंसेस जैसे कि पेप्टाइड चेन्स और भी ऐसे कई प्रकार के पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स। ये सब के सब पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स कहाँ पर बने होंगे? ये सब बने होंगे उस समय पर कंडेंसेशन वाले इवेंट की वजह से, जो कूलिंग ऑफ अर्थ, ये जो इवेंट होना शुरू हो चुका था, याद रखें कूलिंग इवेंट जो होने शुरू हो चुके थे उस दौरान ये सारी एक्टिविटीज चल रही है। प्लैनेट जो शुरुआत में बहुत ज्यादा गर्म था, समय के साथ ठंडा होता रहा, और उस दौरान ये सारे केमिकल्स भी उसी के साथ बनते रहे। कहाँ पर? एक प्रिमिटिव वाटर बॉडी जैसे, मतलब जो शुरुआती पानी के सोते बने, उन सोतों के अंदर ये सारे केमिकल्स पॉलीमराइजेशन की वजह से बनते रहे। तो पूरी कहानी जो है वो इसी बात को दर्शाती है कि कैसे केमिकल्स में एवोल्यूशन हुआ, कैसे एक एटॉमिक फेज वाला केमिकल धीरे धीरे पॉलीमरिक फेज में तब्दील हुआ। ठीक है, पॉलीमरिक फेज में तब्दील हुआ और इस प्रकार से पॉलीमर्स बने, और यही पॉलीमर्स के एग्रीगेशन की वजह से, जी हाँ, इन्हीं पॉलीमर्स के एग्रीगेशन की वजह से बना सबसे पहला सेल, जिसको आप कहते हो प्रोटो सेल, फर्स्ट सेल, वो सेल जिसने इस पूरी की पूरी धरती के ऊपर जो भी प्रेजेंट स्थिति है वो बना डाली। जी हाँ, जो प्रेजेंट स्थिति है वो बना डाली। ओके, तो सवाल ये आते हैं कि जो सबसे पहला सेल बना ये किस जरूरी इवेंट की वजह से बना? प्रोटोसेल किस जरूरी इवेंट की वजह से बना? तो सबसे जरूरी जो इवेंट था वो था सेल एग्रीगेशन या एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो भी बायोमोलिक्यूल्स उस समय पर प्रेजेंट थे, याद रखें केमिकल एवोल्यूशन एक अलग डायरेक्शन का इवेंट है, उसी में एक छोटा सा इवेंट है बायोलॉजिकल या बायोमोलिक्यूल्स का एग्रीगेशन, जिसकी वजह से शायद कोई पहला सेल जैसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और इस प्रकार से ये पूरी कहानी समझाई जाती है जो सिंथेटिक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर दी गई है, केमिकल एवोल्यूशन थियोरी के अंदर दी गई है, जिस बात को दर्शा रही है कि कैसे सबसे शुरुआती सेल्स बने होंगे। ठीक है, तो सवाल यही आते हैं कि भाई एग्रीगेशन की वजह से बने कि कैसे बने, और इसी पूरे सीक्वेंस में आ जाता है यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, यूरी एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट एक ऐसा शुरुआती एक्सपेरिमेंट था जिसने इस थियोरी को सपोर्ट किया, एज अ एविडेंस, सहायता की। इस थियोरी को लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था। किसके पास? यूरी, सॉरी, ओपारिन एंड हेल्डन के पास। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, जिसे हम यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या कई बार मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, इस एक्सपेरिमेंट से भी कई बार सवाल आते हैं। तो व्हाट इज मिलर्स एक्सपेरिमेंट? ये जरूरी है, और मिलर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कंक्लूजन मिला, इससे ओपारिन एंड हेल्डन थियरी को क्या फायदा हुआ, इस बात को समझना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या फायदा मिला? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, एक छोटे से ग्लास चेम्बर के अंदर, है ना, ग्लास चेम्बर के अंदर वो कंडीशन बनाई जा रही है जैसी कभी आज से करोड़ों साल पहले रही होगी। उस कंडीशन में वो सारे गैसेस, वो सारी चीजें रखी जाती हैं जो कि उस प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में ज्यादातर रही होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं
कि एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैसेस का इस्तेमाल किया गया, कौन से जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया। सो जो केमिकल्स यूज हुए वो थे मीथेन, वो था अमोनिया, वो था पानी जो कि लिक्विड फॉर्म में और बाद में वेपराइज फॉर्म में यूज किया गया, और था हाइड्रोजन। ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुई हैं। अगर बात कर ली जाए तो जो प्रपोर्शन है वो टू, ये वन और ये टू का है, और पानी काफी ज्यादा मात्रा में था। इस प्रपोर्शन के अंदर जनरली इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहां पर पुरानी कंडीशंस मतलब जो बिजली कड़कना, हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाना, इसके लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया, जो अंदाजन 800 डिग्री सेंटीग्रेड जितना तापमान क्रिएट करते थे बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक स्पार्क, है ना। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से ये वाली स्थिति बन रही थी। और जब इस पूरे सेटअप को महीनों तक देखा गया तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट मिले। क्या क्या प्रोडक्ट बने, आइए इन प्रोडक्ट्स को लिखें। यहां पर कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स देखे गए इसके अंदर, कई प्रकार के अमाइनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो यहां पर बने एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एज अमाइनो एसिड। इसके अलावा और भी कई सारे अदर कंपाउंड्स भी, जैसे कि यूरिया, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, इस प्रकार के कई सारे केमिकल्स यहां पर बनते हुए देखे जाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो ये यूरियन मिलर्स एक्सपेरिमेंट को एक आधार माना गया, सपोर्ट माना गया, एक एविडेंस माना गया ओपेरिन एंड हेल्डन की थियोरी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी जरूरी जानकारी है, ध्यान रखें। अगर ये काम नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट नहीं होता, तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल आधार ओपेरिन एंड हेल्डन थियोरी को नहीं मिलता। ठीक है, चलो। तो हमने बहुत कम वक्त में काफी सारा कंटेंट आपके सामने डिस्कस कर लिया। हम मानते हैं कि इसी प्रकार का कुछ इवेंट हुआ होगा, ठीक है, इसी प्रकार का कुछ इवेंट, इसी प्रकार की कोई घटना हुई होगी, और इस पुराने एनरोबिक, जी हाँ, पुराना एनवायरनमेंट कैसा था। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आपको जवाब में क्या लिखना है कि पुराना एनवायरनमेंट, जो भी जिस कंडीशन में ये पहला सेल बना, ये पुराना एनवायरनमेंट एक तो कैसा था, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन एब्सेंट था, नो फ्री O2 प्रेजेंट। फ्री फॉर्म में O2 प्रेजेंट नहीं था, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, जो भी ऑक्सीजन था वो किसी न किसी चीज के साथ बाउंडेड फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में नहीं था। ऐसे एनवायरनमेंट को रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। उसी के साथ साथ एनारोबिक टाइप का था। एनारोबिक से हमारा मतलब है कि शुरुआत में ऑक्सीजन का यूज करके कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हो, ऐसा नहीं था। ये सारी प्रिमिटिव एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में बातें हुई, और इसी तरह के किसी कंडीशन में बना सबसे पहला सेल, प्रोटोसेल, द फर्स्ट सेल। ठीक, लीजिए भाई, प्रोटोसेल बन गया, सबसे पहला सेल बन गया। इसी को कोई को असर्वेट कहता है, इसी को कोई क्या कहता है, याद करो, को असर्वेट, या फिर एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है सर, प्रिमिटिव। मैं प्रिमिटिव क्या सर, प्रिमिटिव बोलो बोलो। अच्छा देखो, क्या हो गया कि प्रोटोसेल बन गया, यही प्रोटोसेल आगे जा करके किसको इवॉल्व कराता है, लूका। लूका कौन है, जिसको हम मानते हैं हाइपोथेटिकल, वैसे लास्ट यूनिवर्सल
कॉमन एंसेस्टर, मतलब वो सेल जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सृष्टि मतलब एटलीस्ट सारे लिविंग बींग्स को बनाया। जी हाँ, प्रोटोसेल, फर्स्ट सेल प्रोटोसेल, कोअसर्वेट्स भी कहते हैं और माइक्रोस्फीयर भी कहा जाता है, सारे टर्म्स चलते हैं। ठीक है, अब इसी लूका से ही क्या बने, इसके तुरंत बाद सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। और ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो आज से अंदाजन 3.5 बिलियन ईयर एगो के आसपास देखे गए। ठीक है, तो सबसे पहला एक बार कंफर्म करिए, चेक करिए, सो इट शुड बी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, इट शुड बी 3 पॉइंट, है ना, क्योंकि 1 मिलियन ईयर के बाद अंदाजन सबसे पहले सेल आ चुके थे और इन्होंने 2 बिलियन तक राज किया। ठीक, तो सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म्स आए प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर दोनों प्रकार के लाइफ फॉर्म्स देखे जाते हैं, इसमें आता है बैक्टीरिया भी, ट्रू बैक्टीरिया भी, और इसमें आता है आर्किया भी। ठीक है, इसके बाद इन्हीं से इवॉल्व हुए सबसे शुरुआती यूकैरियोट्स, और यदि आप यूकैरियोट्स की बात करें तो आज से 2.5 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हो। ठीक है, 2.5 बिलियन ईयर एगो के आसपास की, है ना, और ये जो यूकैरियोट्स हैं फिर यही आगे जाकर के डाइवर्सिफाई हुए एज अ सो इन्होंने ही आगे जाकर के प्रोड्यूस किए थर्ड तरह की कैटेगरी, एंड दैट इज नथिंग बट अ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, जो आज से अंदाजन 1.5 बिलियन ईयर एगो के आसपास तक देखे गए। तो ये जो कहानी है वो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि भी कैसे ये सारा का सारा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काम करता रहा। यूकैरियोट्स, कुछ करेक्शंस हैं जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर 1.5 बिलियन आ जाए, इस जगह पर 1 आ जाए अंदाजन, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, ये करेक्शन हो गया, मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। और इन्हीं मल्टीसेलर यूकैरियोट्स का मतलब आप बात कर रहे हो किसके बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में और फंजाई के बारे में। ठीक है, अगर आप यूकैरियोट्स की बात करो दैट मींस आप बात कर रहे हो प्रोटिस्ट के बारे में, और ये तो सारे बैक्टीरियाज। इस प्रकार से ये पूरी जो जर्नी है वो यहां पर मैंने समराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस जो है आपको अच्छे से पढ़ना होता है। अब ये संभव नहीं है कि इतनी सारी बातें इतने कम वक्त में आपके सामने रख दी जाए। एक और जरूरी इवेंट जो मैं चाहूंगा कि यहाँ हाईलाइट हो, इस प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल जो फॉर्म्स थे, सबसे शुरुआती जो लाइफ फॉर्म्स थे, इस समय पर सबसे शुरुआती जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कैसा था। हम कहते हैं कि सबसे शुरुआती जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एनारोबिक हेटरोट्रॉफ थे। यहां से भी सवाल आता है, आप नहीं गए सर बर्थडे में, सेलिब्रेशन हो रही है। हाँ भाई, हमने सुबह सेलिब्रेशन कर लिया और अभी वापस से सेलिब्रेशन हो रहा है। सर का सेलिब्रेशन कई बार होगा। ठीक है, मुझे लगा कि 2 दिन से आपसे मिल नहीं पाया तो आज का जो सेशन है वो मिस ना हो। चलो, एनारोबिक हेटरोट्रॉफ्स हो गए। एनारोबिक हेटरोट्रॉफ्स के बाद आए एनारोबिक ऑटोट्रॉप्स।
ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप जोधपुर में नहीं है क्या? नहीं, मैं जोधपुर में नहीं हूँ। अच्छा, एनारोबिक ऑटोट्रॉप्स में भी सबसे शुरुआती जो थे वो एन एरोबिक कीमो ऑटोट्रॉप्स थे, ठीक है। उसके कुछ समय बाद फिर एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स आए, और फिर लास्ट में एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स आए। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, जो मेरे पीछे छुप रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे बेहतरी होती रही, इसको लेकर के भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है अपने को, कीमो, फिर फोटो, देन फाइनली एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो इस प्रकार से ये काफी दिनों का जो सेगमेंट है, मैंने आज के एक टॉपिक में या एक सेशन में पूरा करने की कोशिश की है। ठीक, मैं कह रहा हूं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म, ये जो सेगमेंट है, ये बहुत जरूरी सेगमेंट है। यहां से सवाल हमेशा दिखते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो यहां से सवालों में दिख जाती हैं। इसको जब आप तैयार करोगे तो जरूर तैयार करोगे। अब सवालों का जवाब दो। कि सबसे पहला सवाल आपके सामने है, पाश्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज में है। एक्चुअली ये सवाल एवोल्यूशन से थोड़ा अलग है ना, ये लुईस पाश्चर का नाम देख करके यहां पर आ गया है। अच्छा, आपको इन एडवांस हैप्पी बर्थडे इजहार जी। जी हाँ, पाश्चर का यहां पर जो ये क्वेश्चन है वो एवोल्यूशन का नहीं है, बल्कि थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस उन्होंने नहीं दी है। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, वैक्सीन और बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हीं में से आप कुछ बता सकते हो। तो यहां पर इस सवाल का जो जवाब है वो बी है, ये एवोल्यूशन से नहीं है, इसलिए मैं इसका सीधे जवाब आपको दे देता हूँ। ठीक, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस नहीं बेटा, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस वॉज गिवन बाय लुईस पाश्चर। ठीक है, वैक्सीन के लिए तो आप जेनर का नाम याद रखोगे ना। आगे ये यहां से आपका जो सेगमेंट है वो शुरू हो जाता है, यहां से एवोल्यूशन आ जाता है। आयुष, ए बायोजेनेसिस नहीं, इन्होंने तो ए बायोजेनेसिस के अगेंस्ट बात की थी ना, उसका आंसर ठीक ठाक भी है। चलो इस सवाल का जवाब दे दो। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, किसके द्वारा रॉन्ग प्रूव कर दिया गया? अभी पढ़ाया मैंने, अभी बताया। फ्रांसिस्को रेडी, एक नाम तो उन तीनों में से यहां पर दिख रहा है, नहीं तो क्या होना चाहिए? लाजारस प्लेंजानी, नहीं तो क्या होना चाहिए? लुईस पाश्चर, उसमें से एक नाम यहां पर है। ठीक है जी, संगीता जी, आज से ठीक ठाक मैपिंग शुरू हो गई है। फ्रांसिस्को रेडी जवाब आएगा, चलो शाबाश। अगला सवाल, वैसे आपने अभी ये पढ़ा नहीं है, जब हम वेरियस थ्योरीज ऑफ क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात कवर हो जाएगी। तो फिर मैं कल आपको वेरियस थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा दूंगा। वैसे जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है, दिस वॉज गिवन बाय लायल, लायल द्वारा दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, चार्ल्स लायल जो अपने जमाने के एक बहुत बेहतरीन ज्योग्राफी की स्टडी, मतलब भौगोलिक स्थितियों को स्टडी करने वाले वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जिससे डार्विन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहे, चार्ल्स लायल। चलो इसका जवाब तो आप दे ही दोगे, ये आसान है, इसमें आप नहीं फंसने वाले, और ये सवाल भी आ चुका है। इससे पता चलता है कि कौन कौन से जोन ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जो काफी जरूरी हैं, जहां से सवाल आते हैं। ओके,
चार्ल्स डार्विन जिस जहाज से सफर पर निकले थे उसका नाम था एचएमएस बीगल, है ना, एचएमएस बीगल। देखो ये भी सवाल आया है सेट के अंदर, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। जब आपको पूरी कहानी सुनाई जाती है, सारी बातें बताई जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे, थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस इज द ओल्डेस्ट व्यू ऑफ एवोल्यूशन, जो कि किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, आप देखें ध्यान से और उसके बाद तय करें कि किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया। अब आज तो हमने ये बात पढ़ी, ये तो तुरंत ध्यान आना चाहिए। डार्विन द्वारा, जी नहीं, डार्विन उस समय तो थे ही नहीं। लमार्क द्वारा, जी नहीं। ह्यूगो डी वरीज द्वारा, जी नहीं। तो बचा कौन, थाले, एनेक्समैंडर, ज़ीनोफैंस, है ना, ये मैंने जो भी आपको जवाब दे रखे थे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो, सवाल देखो कितने सिंपल आते हैं, कितने सीधे सवाल आते हैं, कितने सटीक सवाल आते हैं, और पढ़ा है तो फिर तो बात समझ लो बन गई, है ना, पढ़ा है तो सब आसान है। क्या लगता है, क्रिएटिविज्म इज रिजेक्टेड बाय द एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिकॉज, ऐसा क्या चीज देखी जाती है जिसकी वजह से क्रिएटिविज्म हुआ होगा ये कह पाना मुश्किल है, असंभव है। तो इसका सवाल या इस सवाल का जवाब मैं भी आपको ना समझे तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्रिएटिविज्म को सही मान लिया जाए, मतलब फादर सॉरेस की थियरी को सही मान लिया जाए कि सब कुछ गॉड ने बनाया, तो इसका मतलब ना नेचुरल सिलेक्शन की थियरी सही है, ना एनवायरनमेंट में, ना ऑर्गेनिज्म में कोई बदलाव आ रहा है, सब कुछ गॉड ने बनाया जब से वैसा ही है, ठीक है। तो अगर इस बात को सही मान लोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ओरिजिन, एडेप्टेशन, ऐसी सारी चीजें नहीं होती हैं, अगर क्रिएटिविज्म को सही मान लिया जाएगा। अगर क्रिएटिविज्म को हमने गलत माना तो फिर डार्विन की जो थियरी है जिसमें एवोल्यूशन, ओरिजिन, एडेप्टेशन जैसी एक्टिविटीज के ऊपर बात की गई है, ये है ऐसा हम मानेंगे, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा। मे बी शायद उतनी आसानी से आपको समझ में आए, और इस प्रकार से ये था हमारा आज का सेशन। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने थोड़ी कोशिश की है कि जो पीछे कुछ चीजें, या मतलब एक सेगमेंट हमारा, एक सेशन नहीं हो पाया है, वो भी कवर अप कर दूं मैं, और बस इसी कोशिश में थोड़ा सा आज हमने स्पीड ठीक ठाक ज्यादा रखी थी। आशा करते हैं कि सेशन आपके काम का होगा, आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इससे आपने जरूर सीखा होगा। और यहाँ जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है, उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करोगे एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है, सवाल होना तय है। थैंक यू सो मच निशा बेटा। जो भी मैपिंग सीरीज होती है, मैपिंग सीरीज में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, सवाल लगाते हैं, और एक हफ्ते पूरा ये टॉपिक चलेगा, एक हफ्ते ये ऐसा चलेगा, तो मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगा, तो ये एक घंटा काफी होता है, उससे ज्यादा इसके ऊपर बात करने का कोई खास फायदा नहीं। हम डिटेल लेक्चर नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैपिंग सीरीज, है ना, कि क्या जरूरी है एग्जाम के हिसाब से, ताकि आप उन जरूरी बातों की लिस्ट बनाएं और एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। डेली इसी टाइम पे होता है, जी हाँ, 5 बजे शुरू हो जाता है, राइट। सो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। अशरफ जी, सवालों के प्रैक्टिस के लिए तो यस, सवालों के प्रैक्टिस के लिए तो यस। जी नहीं, स्लाइड तो आपको मिल जाए, इसका कोई उपाय अपने पास नहीं है, ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। जी जी, मैंने देखा बॉलीवुड
सीएसआर नेट की टेंटेटिव डेट, ये कहा गया है कि दिसंबर वाला एग्जाम जून वाले एग्जाम के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। देखा मैंने गेट बॉटनी की भी मैपिंग सीरीज, गेट के लिए बेटा एक सीरीज आ रही है, आप लोग बस इंतजार में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बस, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय।